कोचिंग पढ़ाता हूँ, एयरफोर्स, एसएससी, बैंक और जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम हैं। आप लोग 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, राइट? यस। 12th क्लास के एग्जाम देने के बाद में आपने बहुत कुछ सोचा होगा, या फिर सोच रहे होंगे, या फिर कई बार कंफ्यूजन भी हमारे दिमाग में होता है कि आगे हम क्या करें 12th के बाद में। अब ऐसा हम क्या करें कि हम जल्दी से जल्दी स्टेबलिश हो जाएं, अपनी तरफ से सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और अपने पेरेंट्स को राहत दें। तो बेसिकली क्या है, आज मेरे आने का यहाँ पे औचित्य मेनली यही है कि आप इंटरमीडिएट के बाद में क्या करें आगे और कैसे अपनी राह को आसान बनाएं। मेरे साथ में और बहुत से लोगों के साथ में बेसिकली ये होता है कि आगे का पता नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि आगे हम किस रास्ते पर जाएं, हमारी मंजिल हमको कैसे मिलेगी, हम कौन सा रास्ता पकड़े तो अपनी मंजिल को पहुंच जाएं। कई बार क्या होता है कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं, जो समझ में आता है आगे, जो लोग बोल देते हैं कि आगे बीएससी कर लीजिए, आगे बीएससी करने के बाद में ये कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, वो कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, और हम समय बर्बाद करते रहते हैं, पैसा बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। अगर आपका कोई एम है, आपका कोई एम्बिशन है और आपके गार्जियन आपको नहीं समझ पा रहे हैं या आप गार्जियन को नहीं समझा पा रहे हैं, आई एम हियर। आप केवल एक फोन घुमाएंगे, मैं आप तक आऊंगा, आपके गार्जियन को कन्विंस करूंगा, आपके मम्मी पापा को कन्विंस करूंगा आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, और मेरी तरफ से जितनी भी संभव हेल्प होगी वो मैं करूंगा। बेसिकली क्या है कि किदवई नगर, कानपुर किदवई नगर में मेरा सेंटर रन करता है, इंडिविजुअल इंग्लिश में वहाँ पे पढ़ाता हूँ और इसके बाद में एसएससी एंड बैंकिंग की भी प्रिपरेशन वहाँ पर चलती है। बेसिकली क्या है कि आज मैं आपको एक छोटा सा 15-20 क्वेश्चन का एक पेपर देने वाला हूँ, जिससे आप अपने आप को एसेस कर पाएंगे कि हमें कुछ इंग्लिश में आता है या नहीं आता। कुछ नहीं,
एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर बेटर, वहां पे उनको वैसा एनवायरनमेंट मिला, वैसा एनवायरनमेंट मिला, एटमॉस्फेयर मिला, तो उनको इंग्लिश मान लिया। और यकीन मानिए सबसे बड़ा वीक जोन जो माना जाता है यूपी बोर्ड को, यूपी बोर्ड से अच्छा बोर्ड मैं आज बोल रहा हूँ कि यूपी बोर्ड से अच्छा बोर्ड कोई है नहीं। यूपी बोर्ड इज अ वास्ट बोर्ड, मतलब इससे ज्यादा बड़ा बोर्ड कोई है नहीं और इससे ज्यादा इंटेलिजेंसी में जानकारी नहीं दी जाती। बस केवल एक ही माइनस पॉइंट, एक ही नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ का जो बच्चा यूपी बोर्ड का होता है उसकी इंग्लिश ठीक होती है। और अगर वो मजबूत हो जाए तो यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य को बहुत ही आसानी से गेट कर सकते। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटा इसका सिनोनिम क्या है, इसका पर्यायवाची क्या है, तो देखिए मैं याद कैसे कराऊंगा, आप ये नहीं कहोगे याद कर लो। अब यहाँ पे ये देखो, जब छोटा बच्चा रोता है ना, जब छोटा बच्चा रोता है तो बोलते हो अले ले ले बेटा शांत हो जा, ये तो बोलते हैं ना अले बेटा शांत हो जा, तो यहाँ पे बेटा अले लिखा हुआ है और अले का मतलब क्या होता है, शांत करना। अब इस तरह से अगर वर्ड याद करोगे ना तो कभी भूलेगा क्या, कभी नहीं भूलेगा। फिर इसके बाद में इसके बहुत सारे वर्ड निकल के आते हैं, जैसे मान लीजिए पैसिफाई हो गया, पैसिफाई का मतलब की क्वाइट बोल देते हैं तो क्वाइट हो गया, साइलेंट होता है ना तो वी कैन से दैट साइलेंट साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद में बहुत सारे वर्ड जैसे पैसिफाई हो गया, वी कैन से दैट पैसिफाई, तो पैसिफाई लिखा हुआ है तो एलिविएट हो जाएगा, एलिविएट। मॉलिफाई हो जाएगा, वी कैन से दैट मॉलिफाई, ठीक है, सॉबर वर्ड मिलता है, ठीक है। इसके बाद में मिटिगेट एक वर्ड मिलता है, मिटिगेट को याद कैसे करेंगे, मिटिगेट लिखा हुआ है तो मिटिगेट को देखे भी याद, देखिए मिट्टी को पढ़े मिट्टी या पढ़े मिट्टी और ये गेट लिखा हुआ है। अब होता है कि जब बारिश का समय होता है ना, तो बारिश का समय होता है तो जैसे मम्मी ने मान लीजिए कि अभी अभी झाड़ू पोछा किया है, सब साफ किया है, और बारिश के समय जाहिर सी बात है कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो कॉरिडोर होता है दहलीज होता है जो दरवाजे का, उसमें कीचड़ लग गया मान लीजिए, मम्मी की गालियाँ शुरू, मम्मी की बातें शुरू, इसके बाद में बेसिकली क्या है, तो उनकी शोर शराबा करने लगती है, डांटने लगती है, तो हम अगर उस मिट्टी को साफ कर दें वहाँ से जो हमने लगा दिया है, तो साफ कर देंगे तो मम्मा क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो मिट्टी गिर का मतलब भी क्या होता है, शांत करना होता है। इस तरह से मैं स्टोरी सेटअप कराता हूँ, स्टोरी सेटअप कराने से वर्ड आपको कभी बोलता नहीं है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एडामेंट, क्या लिख दिया, एडामेंट। अब एडामेंट अगर मैंने लिख दिया तो इसमें देखिए एक खास बात है, इसको याद करने का, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अड़ा, क्या लिखा है, अड़ा, अड़ा लिखा है, तो अड़ा से बना अड़ियल, क्या बना, अड़ियल, और अड़ियल का मतलब जिद्दी, तो एडामेंट का मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है, और जिद्दी के सिनोनिम होते हैं ऑब्स्टिनेट और वी कैन से दैट स्टबर्न, ठीक है, ऑब्स्टिनेट एंड स्टबर्न। इसके बहुत सारे सिनोनिम है, टेनासियस हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, बहुत सारे शब्द मिलेंगे। इसी प्रकार से जैसे बहुत सारे वर्ड है, जैसे अबेट हो गया, अबेट हो गया, तो अब अबेट को देखिए तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हम अलग कर देते देखिए अबे मिला है, और अबे अगर मिल गया तो जैसे इनफॉर्मल लैंग्वेज है, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, पर अब जानने पहचान किसी को अबे बोल दिए तो भड़क जाएगा ना सामने वाला, तो अबेट का मतलब भड़काना होता है, क्या होता है, भड़काना। तो वी कैन से ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है आग में घी डालना, स्थिति को और ज्यादा भड़का देना, तो वी कंसिडर टू एग्रावेट, टू एग्रावेट। इसके बाद में एड फ्यूल टू फायर से फिर वर्ड बनता है टू फैन द फ्लेम, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, टू फैन द फ्लेम, फ्लेम का मतलब ज्वाला होता है, जैसे आग की जो लपट होती है उसको अगर फैन करोगे तो और ज्यादा भड़केगा ना, टू फैन द फ्लेम। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अबेट लिख दिया, ए बी ए टी ई, तो इसको आप अलग करके करते हैं, अब एट, अगर मैं बोलूं पहले वो 10 रोटी खाता था अब 8 खाता है, रोटी खाना क्या कर दिया, कम कर दिया ना, तो अबेट का मतलब क्या होता है, कम करना। यकीन मानिए जब इस तरह से आप वर्ड याद करोगे ना, वर्ड आपको बिल्कुल दिमाग में प्रिंट होंगे। रिलेटिव एग्जाम्स की मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और जो हमारे सर आपको पढ़ाते हैं इन्हीं का मैं पढ़ा हुआ, सो आई एम द स्टूडेंट ऑफ नीरज सर, नीरज सर का मैं स्टूडेंट हूँ, उनसे इंग्लिश में पढ़ा हुआ। एंड बेसिकली Why have I come to you? मैं आपके पास में क्यों आया हूँ? There is a big reason behind it. उसके पीछे एक बहुत बड़ा reason है. Reason ये है कि after completing 12th, 12th pass करने के बाद में
देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका अपना अपना एक लक्ष्य होगा, अपना अपना एक एम होगा कि हमको ट्वेल्थ के बाद में क्या करना है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे मन में प्रश्न उठ रहा होता है कि ट्वेल्थ के बाद में हम क्या करें, अपने बड़ों से पूछते हैं तो बड़ों से भी सेटिस्फाइड रिप्लाई नहीं मिलता, कई बार उनको लगता है कि जो सब कर रहे हैं वही कर। सो बेसिकली आई एम जस्ट हियर फॉर मेकिंग यू फ्यूचर, कि बेसिकली क्या है कि जो आपका फ्यूचर है, जो आपने एम पाने के लिए, जो आपने लक्ष्य पाने के लिए डिसाइड किया है, वो आप कैसे अचीव करें, व्हाट्स द वे टू गेट दैट प्लेस। होता क्या है ना, जिस तरफ हवा बढ़ रही होती है, जिस तरफ वेव जा रही होती है ना, हम उसी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। हम देखते हैं कि ट्वेल्थ के बाद में हमारा फ्रेंड ग्रेजुएशन में बीएससी कर रहा है, हम भी बीएससी करते हैं। हम देखते हैं वो, उसने साइंस स्ट्रीम लिया है, हम भी साइंस स्ट्रीम कर रहे हैं, जबकि हमारा लक्ष्य दूसरा हो सकता है, उसका लक्ष्य दूसरा हो, बट वी आर डूइंग द सेम कोर्स एंड वी आर डेविएटेड। हम डेविएट हो जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, मार्ग से विचलित हो जाते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर गोल, और हमें अपना गोल नहीं मिल पाता है, वो समय नहीं। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टाइम और मनी? टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट? डेफिनेटली बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। इफ आर गेटिंग एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन गेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में प्लान कर रखा होगा ना, ये पैसा भी जरूरी है। इफ एनीबडी से टू यू दैट मीन्स यू कैन वर्क, यू कैन डू दिस गवर्नमेंट जॉब बट विदाउट सैलरी, आप इस गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करिए लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी, तो बेसिकली कुछ दिन तो आप कर लेंगे, इसके बाद में फिर लगेगा यार कुछ इनकम का सोर्स ही नहीं निकल रहा है, व्हाई शुड आई ज्वाइन, क्यों ज्वाइन करूं। सो इट मीन बोथ आर इंपॉर्टेंट बट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट, कमिट, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज मोर देन मनी, टाइम मनी से भी बढ़ करके। आज का जो टाइम है, आज की जो डेट है, अगर एक बार निकल गई तो दोबारा नहीं आएगी, लेकिन मनी एक बार खर्च हो गया तो दोबारा आ जाएगा। सो टाइम इज वेरी, हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स जो है इतने कैपेबल नहीं होते कि वो सिटी से बाहर आपको भेज पाए, और कई बार क्या होता है ना कि गार्जियन सपोर्ट करते हैं, बोले ठीक है बेटा मैं मैनेज कर लूंगा, मैं कहीं से भी पैसा अरेंज करूंगा, लेकिन आप पढ़ाई करो, आपको पढ़ना है, अपने लक्ष्य को पाना है, यू डू दैट, आप उसको करते हैं। तो बेसिकली क्या, आई वॉन्ट कि वो जो गार्जियन का पैसा है, पेरेंट्स का पैसा है, वो भी बर्बाद ना जाए और आप अपने इस लक्ष्य को पाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी लक्ष्य है वो आप कैसे पाएं, उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके गार्जियन को, आपके पेरेंट्स को अगर कन्विंस करना है, आप अपने लक्ष्य के बारे में उनको बता रहे हो लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, उसके लिए भी मैं गार्जियन से आपके बात कर सकता हूँ। एंड थर्ड थिंग, अगर आप कानपुर में आएंगे तो कानपुर में इन किदवे नगर, आई टीच किदवे नगर में, मैं पढ़ाता हूँ एंड करही में ओपन होने जा रहा है, मुझे यूट्यूब चैनल भी है मेरा। सो अगर आप कैपेबल नहीं हो वहाँ पे बाहर जाने के लिए, घर से ही पढ़ाई कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में बच्चे का दाखिला कराते हैं, इंग्लिश मीडियम में कराते हैं, एट्थ के बाद में फिर उसको यूपी बोर्ड में ले आते हैं, इससे लड़के का साइकोलॉजिकली जो वी कंसिडर बैलेंस है वो खो जाता है ना, तो वो सीबीएसई बोर्ड का रहता है ना वो यूपी बोर्ड का रहता है, या तो पूरा ही सीबीएसई बोर्ड करा दीजिए या तो पूरा यूपी बोर्ड करा दीजिए। यूपी बोर्ड में बस एक केवल खामी है, हम इंग्लिश में उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, दैट्स अ बिगेस्ट वीक जोन, बिगेस्ट माइनस पॉइंट। और अगर हमारा इंग्लिश अच्छा हो गया ना, यकीन मानिए आपसे आगे कोई नहीं जा सकता, किसी बोर्ड का बच्चा नहीं जा सकता, क्योंकि यूपी बोर्ड का सिलेबस जितना वास्ट है, इतना वास्ट है, शायद ही किसी बोर्ड का सिलेबस है। तो आप बेसिकली मैथ्स में अच्छे हो जाओगे, साइंस में अच्छे हो जाओगे, किसी अन्य सब्जेक्ट में अच्छे हो जाओगे, इंग्लिश में एकेडमिक का नॉलेज होता है, इस वजह से हम उतना आगे नहीं जा पाते हैं, एंड द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, कंपटीशन डे बाई डे बढ़ रहा है, और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ में अगर आप सोचते हो ना कि हम यहाँ पे रुक गए, द वर्ल्ड इज नॉट स्टैटिक, इट्स कीप मूविंग, वर्ल्ड जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है, समय बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप एक जगह खड़े भी हो ना, लोग तो आगे बढ़ रहे हैं ना, अगर आप कहीं पे खड़े भी हो गए ना तो आप पीछे हो, और पीछे अगर जाते चले जाएंगे तो फिर ऑलरेडी पीछे जाते जाएंगे। तो आई वॉन्ट कि आप जो है, जो भी आपने डिसाइड किया है कि हमें आगे चल करके आगे बाहर पढ़ने जाना है, कानपुर जाना है, तो एक बार कॉन्टेक्ट करिए,
और अगर यहीं पे पढ़ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप YouTube की हेल्प लेकर के पढ़िए। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, आप यू कैन एनी टाइम कॉन्टेक्ट मी, कभी भी समय कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर पे किसी पर। एक छोटा सा मैं टेस्ट देता हूँ आपको, 10 क्वेश्चन है इंग्लिश में।